लेटर मींस ही का इसे तो अभी आपको बहुत सुंदर अनुभव मैं बताता हूँ। इसके कई सारे प्रयोग हमने किए हैं, बहुत सारे प्रयोग, आप मेरे वीडियो देखोगे तो मालूम पड़ेगा। एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, मैं नागपुर से हूँ, 40 साल से मुंबई में रहता हूँ, यहीं बिजनेस करता हूँ मैं। तो मेरे पिताजी बड़े भाई के साथ जो 20 साल पहले हार्ट अटैक मैस्यू हार्ट अटैक गुजर गया, तो पिताजी वहीं रहते हैं, यहाँ उनको अच्छा लगता है मुंबई में। तो है ना, मुझे करीबन 8 महीने पहले फोन आया कि भतीजे का कि दादा की तबीयत ठीक नहीं है और ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, आप जल्दी आ जाओ। मैं पहले फ्लाइट से भगवान आपको भी कराया, तो मीरा बहन से बात किया मैंने, मीरा बहन ने बताया कि मेरे को मीरा बहन ने एक बार बताया, मुझे याद आया, मैं ये बस पूछे भी गया। तो है ना, देखो जो व्यक्ति है ना अंतिम समय में मौत के रास्ते, मौत के द्वार पर है, लेकिन उसकी जान निकल नहीं गई, कहीं कहीं ना कहीं अटकी रहती है, कहीं धन में, कहीं पोते में। एक बहन जी को तो सब कुछ खाया जिंदगी में, आपकी में पानी पूरी आ रही थी है ना। अभी एक बहन हमको बता रही थी, मैं कहाँ प्रोग्राम करा रहा था, मधुबन में ही था मैं, तो वहाँ पे भरूच की एक बहन क्लास करा रही थी। उसने बोला कि सभी बीड़ी नहीं पीते ना कोई यहाँ पे, बोला कई लोग खाते हैं खाते हैं लेकिन पीते हैं, मैंने देखा है। एक बूढ़ा व्यक्ति हमारे पास क्लास में था, तो उसकी सब कुछ छूट गया, उसका बीड़ी छूटी नहीं थी, तो आखिरी में वो बीड़ी लेने जा रहा था, वहीं गिर गया, उधर ही मर गया अंतिम समय में वहाँ। तो है ना, पिताजी को जाने पर मुझे पता लगा कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इलाज संभव नहीं है, इतना डैमेज हो चुका है ब्रेन कि अगर इसको खून को पतला भी करेंगे तो भी ये अभी आधा सेमी कॉन्शियस में गया है, सेमी अनकॉन्शियस में गया है, शायद पूरा ही बेहोशी में चला जाएगा। तो मैंने तुरंत सूरज भाई को फोन किया, सूरज भाई इसी हालत में पिताजी की बड़ी कठिन कंडीशन, ध्यान से सुनना सभी, मैं क्या करूँ। बोला पिताजी को आप सबका दे सकते हैं, बोला हाँ सूरज भाई बोलो। तो सूरज भाई ने क्या बोला, आप है ना दोनों हथेलियों पर सिर रगड़ो और 5 बार कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और 5 बार कहो मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, और पिताजी के यहाँ पर दोनों भी उसमें रखो। तो मैं हॉस्पिटल में से 3 दिन पिताजी, मैं जब भी जाता था पिताजी को बस यहाँ पर सकार करके आता था, और मीरा बहन ने मुझे बताया कि आप है ना जाने के साथ पिताजी को क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है, वापस आ नहीं सकते, आगे के तो पूरा लक्ष्य पहले अटैक हो गया, पहले बहुत सारी तकलीफ में शरीर में थी उनकी। तो यहाँ पर हाथ रखें और कहना आपकी आत्मा हम आपकी जो भी इच्छा रही वो पूरा करेंगे, आप जा सकती हैं। और मैंने और भी कहा मैं व्रत तंग था वहाँ पर, मैंने और भी कहा कि वी ऑल ब्लेस विथ लव, हम आप सभी से विनता प्यार करते हैं, लेकिन हम आपको अटैक करते हैं, नाउ वी शैल बी फ्री, यू आर फ्री, वी आर फ्री, थैंक यू, ऐसा बोल के डिटैच कर लिया कॉल को साथ में, इसी को साथ में 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर ने कहा भाई कोई फायदा नहीं है, रिवर्स तो होगा नहीं, रोज का 30,000 का खर्चा है, तो बेटा उनको घर ले जाओ। तो घर में जब लेने जाने की बात आई तो कोई मानो को तैयार नहीं, मैंने कहा फिक्र मत करो, जब तक पिताजी है ना मैं रहूँगा यहाँ पर। बेटे को युगल को बोला कि आप भले चले जाओ मुंबई, मैं यहाँ रहता हूँ। देखो जब हम तैयार होते हैं ना किसी भी इवेंचुअलिटीज से, बहन जी यहाँ बात नहीं करना प्लीज, ओ बहन जी किसी ध्यान से सुना मेरी बात, बहुत काम की बता रहा हूँ। जब हम हर हालात में अपने आप को तैयार रखते हैं ना, तो कुदरत आपको बेस्ट देने की फ्रिक्वेंसी का रिलीज करते हैं। अभी मैं भूल जा रहा था, मैं आरएसी 11 नंबर थी मेरी, आरएसी में 2 आरएसी में 11 नंबर, मिशन ने कहा तुम प्लेन में जाता है, बहुत महंगी टिकट हो गई, मैं लेट निकाला है, टिकट मिल गई होगी जयपुर तक निकाला आ रहा हूँ, तो नहीं हो क्या बस नहीं हो क्या है, मैं 4 घंटे योगी आता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, वहाँ मुझे आराम ही करना है, वहाँ मुझे क्या काम करना पड़ा है। तो मैं फुली प्रिपेयर था कि मैं बैठ के जाऊँगा, आरएसी क्लियर नहीं होगी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले आरएसी पूरा 100% क्लियर होकर आ गया मेरा, दिस इज क्रिएटिंग विद रिलैक्स माइंड। तो मैंने है ना पिताजी को घर लाया, कोई तैयार नहीं, मैंने कहा निश्चिंत रहो मैं पिताजी के साथ रहूँगा, फिक्र मत करो। तो 5 बजे पिताजी को घर लाया, 5 बजे घर लाया, अगले दिन 2 बजे केयर टेकर रखा था 24 घंटे के लिए पिताजी के लिए। तो ना उसने आवाज किया, दादाजी ने आंख खोली, दादा ने आंख खोली, मुझसे भी पहुंचे थे ना, तो दादा ने आंख खोली, दादा आंख खोली, हम सभी के सभी हॉल में थे तो भागे पिताजी कमरे की तरफ। तो फिर से मुझे याद आ गया कि आत्मा का शायद उनकी समय आ गया है, तो फिर से मैंने दोनों अपने पैसे रख दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो मास्टर रोटी जाता हूँ, पिताजी के दोनों की तरफ ऐसे रखा, और मैंने पिताजी के स्कूटी के मंजर में देख के कहा कि मेरी आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा तू सर्वशक्तिमान है, इस वक्त मेरे शरीर के पिता बहुत तकलीफ में, उनका ब्रेन डैमेज, आत्मा निकलना चाहती है,
ब्रह्मा बाबा दोनों को इमेजिन किया, बाबा और शिवा को किरण निकल रही है पिताजी के यहाँ पर जा रही है, ढाई मिनट के अंदर पिताजी ने स्पीच छोड़ दी, टू एंड हाफ मिनट्स विदाउट एनी ट्रबल। और ऑफकोर्स आप लोगों ने भी योग यहाँ लगवाया था, पहले मैंने स्टेज में लगवाया था जब पिताजी गुजर गए तब भी आप लोगों ने योग किया यहाँ पर, तो मिरेकुलसली काम करता है।